नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। छतरपुर में जिस तरह से पूरे देश में पानी की कमी को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन पानी के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में छतरपुर नगर के घटते जलस्तर को देखते हुए 5 मई 2019 को प्रारंभ हुए पत्रिका समूह और रामानंद सेवा समिति के संयुक्त प्रयास से गायत्री सरोवर साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से और जल को सुरक्षित करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। रामानंद सेवा समिति के उपाध्यक्ष गिरजा पाटकर ने बताया कि इस अभियान में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी मेहनत से तालाब को पूर्ण रूप से जल कुंभी मुक्त और सुंदर बना दिया था, लेकिन बारिश होने के कारण एक बार फिर से तालाब में जल कुंभी काफी मात्रा में दिखाई दे रही है। लेकिन हम सभी ने निर्णय लिया है कि एक बार फिर से तालाब की जल कुंभी को निकालकर सरोवर को सुंदर रूप दिया जाएगा और जल संरक्षण का कार्य होगा। इस अभियान में प्रतिदिन सफाई में महेंद्र अग्रवाल, गिरजा पाटकर, प्रथम गुप्ता, सुधीर अग्रवाल, कुणाल राठिया, गोलू चौरसिया, प्रवीण राय, राकेश पम्मी अग्रवाल, शैलेंद्र गुप्ता, अजय गुप्ता श्रमदान कर अपनी भूमिका निभाते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं तालाब के बारे में, गायत्री सरोवर? जिस तरीके से हमारे संत महात्मा लोग का कहना है कि आगे आने वाले 2030 तक अगर हम सभी लोग जल के प्रति सचेत नहीं हुए, अपने जल स्रोतों को नहीं संरक्षित कर पाए, तो बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि बराबर 26 मई से ये अभियान प्रारंभ हुआ था और लगातार 5 महीने से ये गायत्री मंदिर स्थित गायत्री सरोवर में ये अभियान चल रहा है और इसमें गायत्री सरोवर की टीम और रामानंद सेवा समिति की टीम बराबर यहाँ पर निरंतर आकर श्रमदान करती है, सफाई अभियान करती है। आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग भी इस अभियान से जुड़ें और मुख्यतः हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जो इस सरोवर से सटे हुए जिनके आवास हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इस सरोवर में कचरा ना डालें, इसको डस्टबिन ना बनाएं, क्योंकि यदि भगवान रूठ जाएंगे, यदि अपन ने जल स्रोतों को नहीं बचाया और इस तरीके से जल स्रोतों के में कचरा डालेंगे तो आगे ये जल स्रोत नहीं बचेंगे और हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। एक बार हम पुनः आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग इस अभियान से जुड़ें और जल्द से जल्द इस तालाब में फैली जलकुंभी और उसके बीज को हम हटा पाएं।